हाल ही में हुई बर्फबारी और राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालक फंसे हुए हैं। रावण इलाके के पास भूस्खलन के कारण 300 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया और चालक राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे हुए हैं। डिप्टी कमांडर अनंतनाग के सिद्धा, एसडीएम डोरू और अन्य कर्मचारियों के साथ मुंडा टोल पोस्ट पर पहुंचे और राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे ड्राइवरों को भोजन के पैकेट वितरित किए। नेशनल 18 के लिए अनंतनाग से शेख नदीम की रिपोर्ट। तो हमारा जो रामन के पास ब्रिज वो कोलैप्स हो गया, वहाँ का रिटेंशन वॉल चला गया, तो जैसे अभी हमें इन्फॉर्मेशन आई कि अप्रोक्सीमेट फॉर 5 to 6 डेज हाईवे वॉन्ट बी थ्रू। तो इस हवाले से हमने देखा कि यहाँ पर जितने भी जो हाईवे पे स्टैंडर्ड खसूस जो कैरियर लोड कैरियर्स हैं, ट्रक्स हैं या टैंकर्स या बाकी सारी व्हीकल्स हैं, तो इनको इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस के तौर पर हम लोग राशन किट्स दे रहे हैं। तो इसमें हमारे एसडीएम डूरू हैं, डीएसपी ट्रैफिक हैं, तारिक साहब हैं, तहसीलदार डूरू, तहसीलदार काजीगुन, और हम लोग यहां से लोअर मुंडा से हमने स्टार्ट किया प्रोसेस। चार स्पॉट से हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लोअर मुंडा से, काजीगुंड से, अल स्टॉप से और संगम से। तो हमारा पूरा टारगेट है कि जितने भी स्टैंडर्ड हमारे व्हीकल्स हैं या ड्राइवर्स वगैरह, उनको इमीडिएटली हम राशन किट्स पहुंचा दें। हर राशन किट में चावल है, चीनी है, दाल है, मसाले हैं, कुकिंग ऑयल है, चाय का सामान भी है और दूध भी है, और प्लस हमने कुछ वेजिटेबल भी रखा है जो इमीडिएटली वो लोग कुछ पका के खा सकते हैं। और बाकी भी हमने इन लोगों को नंबर्स दे दिए हैं, जितने भी कंसर्न लोकल एसएचओज हैं, तहसीलदार वगैरह हैं, तो वो सब इनको असिस्टेंस दे देंगे। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी इनको बिसाइड्स राशन, किसी को कभी इमीडिएटली अगर कोई मेडिसिन की जरूरत पड़े, मेडिकल केयर की जरूरत पड़े, तो उसके लिए भी हम लोग हाजिर हैं। थैंक यू सर। और कैसा आपको लगा कि आपके ये फूड पैकेट दिए जा रहे हैं? ठीक लग रहा सर, हमारे पास राशन भी खत्म हो गया था, हम पहली दिन मिल के। आप कहाँ से हैं? हम जम्मू से सर। कितने लोग यहाँ पे हैं? हमारी बहुत गाड़ियाँ सर जम्मू की, बहुत जाए। तो आपको ये मिला तो अच्छा लगा आपको? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर। तुल हुई है तो क्या? हाँ बताइए क्या कर।